आइए नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं टेक्निकल कृष्णा। तो कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि आप ऐसा वीडियो बनाओ कि जिसमें हम जीटी सेंडर्स के पूरे मिशन कर सकें सिर्फ एक ही मिनट में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे गेमिंग टाइप वीडियो के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों आपको अपने गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको गूगल पे लिखना है GTA SA सेव फाइल। ये लिख देने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, ऑल PC V1 गेम मिशन सेव फाइल हेल्प एंड सपोर्ट GTA 4 मास। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये स्क्रॉल बार से आप थोड़ा नीचे करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब मिशन के नाम है और इसके सामने ही डाउनलोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमको लास्ट मिशन करना होगा। ये देखिए एंड ऑफ द लाइन, ये इस आपको क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सब मिशन मिल जाएंगे जो सा आपको सेव करवाना है, लेकिन अपन को पूरे मिशन चाहिए तो एंड ऑफ द लाइन पे क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऐसे इंटरफेस आएगा फिर आपके सामने। तो यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्लॉट 1 पे। तो मैंने स्लॉट 1 पे क्लिक कर दिया है। फिर ये थोड़ी देर बाद डाउनलोड होने लगी है। ये देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब इसकी डाउनलोड लोकेशन पे चलते हैं दोस्तों हम। ये देखिए दोस्तों, ये अब इस पे अपन को लेफ्ट क्लिक करना है और इसे ऐड टू आर्काइव करना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगी। अब इसे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है, यस टू ऑल, माफ कीजिए दोस्तों, ओपन करना है इसे पहले। फिर इसे एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है। आप कहीं भी कर सकते हैं। तो अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं सीधा। ये देखिए दोस्तों, अब इसे हम कॉपी, पहले हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे जहाँ पे भी जीटी सेंडर्स का यूज़र फाइल्स हों। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे रख देना है और मूव एंड रिप्लेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम गेम खोल के देखते हैं दोस्तों। जी पुराने वाले को मैं यहाँ से काट देता हूँ, 2 मिनट, नहीं तो वो चलेगा नहीं। अब हम गेम खोल के देखते हैं दोस्तों। GTA Sandstorm गेम डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए गेम को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं। तो अब स्टार्ट गेम पे क्लिक करेंगे, रोड गेम। ये देखिए एंड ऑफ द लाइन, ये आ चुका है 2008 में सेव हुआ था ये एंड ऑफ द लाइन। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये आ चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों एंड ऑफ द लाइन 10 जुलाई 2008। तो अब इस पे हम क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सब मिशन कंप्लीट हो गए हैं, और आप ऐसे भी देख सकते हैं। और ये सब कुछ हो चुका है अपना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।